स्वागत है आप सभी को रेस सीरीज की वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे द फन दे हेड का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने द फन दे हेड की फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू में बना दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लें, उसके बाद ये वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। मेरा नाम है निशांत, आप देख रहे हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं हम अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहली बात की जो आप क्वेश्चन आंसर सबसे पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन देखने की। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख लें और मैच करने के लिए भी कि करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आंसर द क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ वर्ड ऑफ सेंटेंस। आपको जो ये पहला सेक्शन है क्वेश्चन का, इसमें आपको कुछ वर्ड में देना है, यानी लिमिटेशन है 10 वर्ड तक। हाईएस्ट मिनिमम से आपको 10 वर्ड्स आप तक में अपना आंसर कंप्लीट कर देना है, 10 टू 15 वर्ड्स या कुछ सेंटेंस, वन और टू सेंटेंस में आपको कंप्लीट कर देना है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? तो मार्गी कितने साल की थी, वो थी 11 ईयर ओल्ड की, और टॉमी कितने साल का था, वो था 13 ईयर्स ओल्ड की। ये बहुत ही आसान था, ये MCQ में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये सारे चीजों को याद रखना है। What did Margie write in her diary? मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा? Today, 17 May 2157, Tommy found a real book. उसने डेट डाला, सबसे पहले क्या डाला? डेट डाला, उसके बाद क्या दी? टाइटल दी, Today Tommy found a real book. आपको टुडे यहाँ से काट के आपको यहाँ पुट कर लेना है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। पहले डेट डाली, उसके बाद टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी इससे पहले बुक देखी थी? यहाँ पे जो बुक की बात हो रही है वो रियल बुक यानी प्रिंटेड बुक, जो आज के समय में आपके पास बुक है उस बुक की बात हो रही थी। इसका आंसर होगा नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, इससे पहले उसने कभी भी बुक नहीं देखा था। कौन सा बुक? रियल बुक उसने कभी भी नहीं देखी थी। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, उसे बुक के बारे में क्या स्ट्रेंज लगा? तो दो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रिलेवेंट होना चाहिए स्टोरी से। पहला क्या है, द बुक वर येलो एंड क्रिंकली, बुक कैसा था? एलोइज था और क्रिंकली यानी फोल्डेड था। और दूसरा क्या, जो वर्ड था बुक का वो स्टील था यानी मूवेबल नहीं था। अब बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, टेली बुक क्या होता है, आप क्या सोचते हैं टेली बुक से, आपका आप इस टेली बुक से क्या समझते हैं वो आपको लिखना है। तो टेली बुक क्या है, एक टेलीविजन स्क्रीन है जहाँ पे टेक्स्ट और बुक्स का जो रहता है शोन किया रहता है, उसी को टेली बुक्स कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स बुक वेयर आर दट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड एंड वी रीड, ये भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लिखे आप उसके साथ जा सकते हैं। वेयर वॉज मार्गी स्कूल, डिड हैव एनी क्लासमेट, मार्गी का स्कूल कहाँ था और उसके कोई दोस्त भी थे, क्लासमेट्स भी थे? मार्गी स्कूल वाज, उसका स्कूल जो था उसके बेडरूम के बगल में था और वो अकेले ही पढ़ती थी, तो उसका कोई भी क्लासमेट्स नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर, नो शी डिडंट हैव एनी क्लासमेट्स, नहीं होगा। देखिए आंसर लिखने का तरीका, बस शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिए, जितना पूछा जा रहा है बस उतना ही आपको बताना है। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, कौन से सब्जेक्ट्स जो है मार्गी और टॉमी पढ़ते थे उस मैकेनिकल टीचर से, रोबोटिक टीचर से? तो कौन कौन सब्जेक्ट्स था, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री,
और भी आप एक्सेट्रा भी दे सकते हैं, क्योंकि मेंशन आपके बुक में बस यही तीन दिया है, इसके अलावा ऐसे आप पूछे नहीं जाएगा, इसके अलावा बस आपको तीन ही देना है। लेकिन आप इसके अलावा भी दे सकते हैं जितने विषय होते हैं, लेकिन बस आप इतना भी लिख दिए तो ठीक है। अब जो दूसरा सेक्शन आता है वो है आंसर द फॉलोइंग विथ द रेफरेंस टू द स्टोरी के साथ। आपको यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, इसके रेफरेंस लेके आपको आंसर देना है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, किसने, हु सेज दिस वर्ड, कौन इसे कहा था इस वर्ड को। तो आप जब एक्सप्लेनेशन की वीडियो अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आप ये बता सकते हैं कि इसे टॉमी ने कहा था इस वर्ड को, कि आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा, क्योंकि इसके अंदर ये बात हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के बारे में कि उसमें बहुत सारे बुक हैं। व्हाट डज इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू हो जाएगा टेली बुक्स। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर, ने इसे किसके साथ कंपेयर किया है। तो जाहिर है उस समय किसके साथ, टॉमी के पास क्या था, एक बुक था, रियल बुक आप उसे कह सकते हैं, रियल बुक या पेपर बुक कह सकते हैं, उसी के साथ जो है टेली बुक्स को कंपेयर किया गया था। अब आते हैं दूसरे एक्सट्रैक्ट की ओर। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो किसने ये कहा था, ये किसने कहा था आपको कमेंट में बताना है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हु डज दे रेफर टू, दे किसको रेफर कर रहा है इस एब्स्ट्रैक्ट में। तो दे रेफर कर रहा है स्टूडेंट ऑफ सेंचुरीज एगो, जो पुराने समय में, जो पुराने समय में हंड्रेड ईयर एगो के समय में जो स्टूडेंट हैं उसके बारे में यहाँ बात की गई है। क्योंकि देखिए वो कह रही श्योर दे हैड अ टीचर, जो टॉमी कहता था मार्गी को कि हाँ उनके पास होता था उस समय में, उन बच्चों के पास होता था टीचर, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर मीन्स कि वो एक रेगुलर टीचर का मतलब होता है मैकेनिकल टीचर, जो एब्सेंट ना करे, जो रेगुलर रहे। लेकिन उस समय में रेगुलर टीचर नहीं होते थे, वो कौन होते थे, मैन होते थे। तो बढ़ते हम लोग तीसरे सेक्शन की ओर। आंसर यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ में, आपको अबाउट 30 वर्ड्स में इन सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी के पास कौन से प्रकार के टीचर थे। तो उनके पास कौन थे, मैकेनिकल टीचर थे, या आप कह सकते हैं रोबोटिक टीचर, जो कि टाउट करते थे, पढ़ाते थे उनको। दे वर टाउट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन एंड चिल्ड्रेन हैड टू सबमिट आंसर इन अ स्लॉट बाय अ पंच कोड, और वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ाते थे और बच्चों को अपना होमवर्क टेस्ट पेपर सबमिट करना रहता था एक टेलीविजन के स्क्रीन में, एक स्लॉट में, किसके द्वारा, पंच कोड को यूज करके। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि मार्गी कौन से ईयर में पंच कोड डालना सीख गई थी, आपको इसे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, को क्यों बुलाई मार्गी की माँ, क्यों बुलाई थी, क्योंकि मार्गी का परफॉर्मेंस दिन ब दिन घटते जा रहा था, वो टेस्ट में धीरे धीरे और भी बोर्ड्स, उसका मार्क्स खराब आता रहा था। तो किस प्रकार से आंसर, कि मार्गीज मदर सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशियंट। तो क्या प्रॉब्लम था, उसकी मैकेनिकल टीचर में था प्रॉब्लम, क्या हुआ था कि उसका जो लेवल है वो तुरंत ही हाई लेवल का हो गया था। इट कीप्स गिविंग मार्गी ज्योग्राफी टेस्ट एंड मार्गी वॉज परफॉर्मिंग बोर्ड एवरी टाइम, और मार्गी का वो जो मैकेनिकल टीचर था वो ज्योग्राफी में टेस्ट ले रहा था, लेकिन मार्गी का परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होते जा रहा था, इसीलिए उसकी माँ जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाई। व्हाट डिड ही डू, काउंटी इंस्पेक्टर ने
क्या कहा, ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेट है, आप इसे अलग मत समझिएगा। व्हाट डिड ही डू, काउंटी इंस्पेक्टर ने आके क्या किया। काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो आया, मार्गी को देख के स्माइल किया, उसको एक एप्पल दिया। उसके बाद जो है वो टीचर को लेके अपार्ट हो गया, साइड में हो गया वो। उसके बाद कुछ देर के एक लगभग एक घंटे के बाद आया और उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का वो बहुत ही लिटिल टू क्विक हाई हो गया था, हाई लेवल का। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसे स्लो डाउन कर दिया और मैकेनिकल टीचर को उसी के लेवल, मार्गी के लेवल तक कर दिया, जिस उम्र की थी उस लेवल तक फिट कर दिया, ताकि मार्गी का अच्छे से पढ़ सके। तो बढ़ते हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। मार्गी का परफॉर्मेंस क्यों खराब हो रहा था ज्योग्राफी में और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। तो ये बिल्कुल ही सेम है, आप इस दोनों पैराग्राफ से मिला के भी आप बना सकते हो, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं। मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी में, क्यों कर रही थी, क्योंकि जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा था मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन पे वो हाई लेवल का था, उसके लेवल का नहीं था, उससे बड़े लेवल का एज का था क्वेश्चन। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसके स्पीड को उसके 10 ईयर लेवल तक एडजस्ट कर दिया और इसलिए मैकेनिकल टीचर जो है कंट्रोल अच्छे तरीके से कंट्रोल हो गया। द काउंटी इंस्पेक्टर एश्योर डेट, और उसके बाद उसका परफॉर्मेंस बताया मार्गी का कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, प्रोग्रेस क्या है, क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, ना ही ज्यादा अच्छा है ना ही ज्यादा बुरा है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज स्क्रीन, टॉमीज टीचर के साथ क्या हुआ। टॉमी के भी होंगे एक रोबोटिक टीचर, उसके साथ एक बार हुआ था क्या कि टॉमी का जो है हिस्ट्री सेक्टर पूरा ही ब्लैंक हो गया था। तो काउंटी इंस्पेक्टर एक महीने के लिए उस रोबोटिक टीचर को लेके गए थे। तो आंसर क्या है, द टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। सिक्स क्वेश्चन है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई। मार्गी क्या लगातार स्कूल करती थी, लगातार रेगुलर आवर्स पर, जैसे कि आज आप 9 AM से 1 PM तक स्कूल करते हो, उसके बाद कल भी 9 AM टू 1 PM तक करते हो, तो ये एक रेगुलर आवर्स पर आप स्कूल कर रहे हो। तो क्या मार्गी भी इसी प्रकार से करती थी। यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज हर मदर बिलीव दैट द लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। मार्गी की माँ का कहना था कि अगर लड़की, कोई छोटी लड़की एक ही समय में रोज पढ़ती है तो वो उसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इसीलिए वो रोज एक ही समय पर स्कूल किया करती थी। तो सेवंथ क्वेश्चन है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। जो मार्गी पूछती है कि ये किस प्रकार का स्कूल है, तब जो टॉमी बताता है तो वो किस प्रकार से पुराने जमाने के स्कूल को डिस्क्राइब करता था। वो बता रहा था कि स्कूल वर डिफरेंट, स्कूल कैसा था, हमारे स्कूल से डिफरेंट था। डे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स बेंट देयर टू स्टडी। उस समय में एक स्पेशल बिल्डिंग होता था, जिसे आप अभी स्कूल कर रहे हो उसी स्पेशल बिल्डिंग की बात की गई है, जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे। दे लाफ्ड एंड साउट इन स्कूल यार्ड में वो हंसी मजाक करते थे, शोरगुल करते थे। दे इंजॉय टाइम टुगेदर एंड लर्न लेसन टुगेदर इन अ क्लासरूम। वो एक साथ मजाक मस्ती करते थे और एक साथ ही अपने क्लासरूम में पढ़ते थे। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। मार्गी ने किस प्रकार से पुराने समय के टीचर के बारे में बताया। ही टेल्स मार्गी डेट
मार्गी को वो कहा कि जो ओल्ड टीचर होते थे वो घर में नहीं रहते थे, वो एक स्पेशल बिल्डिंग जो स्कूल था उसमें रहते थे और वहीं पे सारे बच्चे आते थे और सभी को एक होमवर्क देते थे, सभी को पढ़ाते थे। ओल्ड काइंड के समय में ये मेन पॉइंट है कि ह्यूमन होते थे, इंस्टेंट ऑफ मशीन की जगह ह्यूमन टीचर होते थे। अब आते हैं हम लोग चौथे सेक्शन में अपने क्वेश्चन आंसर की। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन टू और थ्री पैराग्राफ अबाउट 100 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। तो ये इसका आंसर लॉन्ग आपको लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स एंड स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। तो टॉमी और मार्गी के पास जो मैकेनिकल टीचर थे, स्कूल रूम थे, उसका क्या क्या फीचर थे वही आपको बताना है। मैंने यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हैं, आप इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं या पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। क्या फीचर्स है, दे नीड नॉट टू गो स्कूल फॉर गेटिंग, उन्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं होती थी। द मैकेनिकल टीचर इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द रूम्स ऑफ द हाउस, मैकेनिकल टीचर को बस एक जगह रूम में रख दिया जाता था। दे कैन गेट नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट इंडिविजुअली फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर से, वो बहुत प्रकार के नॉलेज ले सकते थे बहुत सब्जेक्ट के एक ही मैकेनिकल टीचर से। दे डोंट हैव सच क्लासरूम वेयर स्टूडेंट सिट टूगेदर, लेकिन उनके पास जो है क्लासरूम नहीं होता था जहाँ पे सारे बच्चे वो अकेले पढ़ाई करते थे। वे दे स्टडी फ्रॉम द टेली बुक्स, वो दोनों जो थे स्टडी टेली बुक से पढ़ते थे। मैकेनिकल टीचर उनके मार्क्स जो थे टेस्ट के वो कुछ ही सेकेंड में बता देते थे और उन मैकेनिकल टीचर में क्या था, एक्यूरेसी था। इट टर्न ऑन द सेम टाइम एक्सेप्ट ऑन वीकेंड्स, और वो हर रोज सेम समय पे अपना क्लास स्टार्ट कर देते थे सिवाय वीकेंड्स यानी सैटरडे संडे को छोड़कर। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। आप इसके अलावा भी आंसर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं बस ये पॉइंट है बस वही पॉइंट होगा, इसके अलावा पॉइंट भी हो सकता है। दूसरा है, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी स्कूल को क्यों हेट करती थी। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं कि मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज सी हैड अ मैकेनिकल टीचर इन हर हाउस, उनके घर में उसके घर में एक मैकेनिकल टीचर था। सी डिडंट इंजॉय द स्टडी, वो स्टडी को इंजॉय नहीं कर पाती थी, वो एक बोझ की तरह लेके पढ़ती थी। सी हैड टू स्टडी, उसे अकेले पढ़ना पड़ता था इसीलिए उसे इंजॉयमेंट नहीं मिल पाता था। मार्गीज मैकेनिकल टीचर जो था उसका टेस्ट लेता था ज्योग्राफी में ले रहा था और उसका परफॉर्मेंस दिन ब दिन बोर्ड एंड बोर्ड खराब होते जा रहा था। अब दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मच हैव बीन फन, क्यों मार्गी ये सोच रही थी कि पुराने समय के स्कूल में ज्यादा फन होता होगा। सी थॉट डेट, वो सोच रही थी कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल जो है मस्ट हैव बीन फन बिकॉज, क्योंकि इट वुड हैव हैड किड फ्रॉम वेरियस प्लेस ऑफ नाइबरहुड, आस पड़ोस पड़ोसी से बहुत सारे बच्चे आते होंगे एक स्पेशल बिल्डिंग स्कूल में, वो इंजॉय करते होंगे, लाफ करते होंगे, साउट करते होंगे अपने स्कूल यार्ड में। और सी थॉट अबाउट द फन दे हैड, और वो सोचती है उस फन के बारे में जो उन बच्चों को था उस समय में, जो मजा था पढ़ने में, हंसने में, मस्ती करते थे, उन सारे फन को वो सोचती है। इसलिए वो यह कहती है कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल ज्यादा बेटर है आज के स्कूल से। डू यू एग्री विथ मार्गी डेट स्कूल टूडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीजन। क्या आप एग्री करते हैं कि आपका जो आज का स्कूल है वो जो है आने वाले स्कूल से ज्यादा फनी है, फन वाला है, इंजॉयमेंट है। तो इसका आंसर लोग पर वेरी करेगा, किसी का यस भी होगा कहना, किसी का नो, लेकिन ज्यादातर का यस होना चाहिए तो इसलिए मैंने यस लिखा। यस आई एग्री विथ मार्गी डेट स्कूल टूडे आर मोर फन, आज के समय में स्कूल जो है उसमें ज्यादा फन है,
जो कि स्टोरी से स्टोरी में जो है उसमें ज़्यादा नहीं। द स्कूल इन द स्टोरी, उसमें जो स्कूल स्टोरी में बताया गया है उसमें मैकेनिकल टीचर है जो कि बिना इमोशन के पढ़ाते हैं। मैकेनिकल टीचर वर्क ओनली ऑन द सब्जेक्टिव नॉलेज, पर ये मेन पॉइंट है कि वो चाइल्ड के बस सब्जेक्टिव जो किताब का बुक का नॉलेज रहता है बस आपको वही दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट आपको वो नहीं दे सकते हैं मैकेनिकल टीचर। दे लर्न, पुराने के समय में सेम थिंग, सेम एज के बच्चे एक क्लासरूम में एक चीज करते पढ़ते थे जो कि मदद करता था उनको अपने फ्रेंड को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और जो स्टूडेंट टूडेज स्कूल में सिट करते थे, साथ में बैठते थे, साथ में पढ़ते थे और मजाक मस्ती करके अपना जीवन व्यतीत करते थे और बहुत सारा नॉलेज लेते थे और दोस्तों को भी कोई परेशानी में आता था उसे भी समझाते थे बताते थे। तो इसी के साथ साथ हमने द फन दे हैड की फुल क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर दिए। मिलते हैं हम अपनी और किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।